एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901:2015 और ISO 1401:2015 प्रमाणिक कंपनी है। नमस्कार नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जैन आरम कॉलेज के यहाँ पर, और हम आपको बता दें जैन आरम कॉलेज में काफ़ी इश्यूज है। जितने भी इश्यूज है उस सबको लेकर NSUI के प्रेसिडेंट साजिद आज यहाँ पर आए थे और वो प्रिंसिपल से मिले। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जितने भी इश्यूज थे। साजिद जी ने जाकर अभी प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने उनसे क्या कहा, आइए हम उनसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ आप तक तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा अंडमान निकोबार कभी कोई इशू होने से जो डिजिटल मीडिया जो है वो एक वाकई में एक अच्छी भूमिका निभाता है कि अंडमान निकोबार जनता तक, अंडमान के लोगों की आवाज़ को पहुंचाता है। जैसे कि आज मैंने प्रिंसिपल जनरल से मुलाकात किया और कई सारा मुद्दे में मैंने प्रिंसिपल से बात किया, जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह था कि जनरल कॉलेज के अंदर में 4,000 से 4,500 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पूरे कॉलेज के अंदर में कोई भी जगह में ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज़ नहीं था। और सेकेंड जो मुद्दा था, कॉलेज के अंदर में पिछले कई सालों से जो कॉलेज से कैंटीन बंद पड़ा हुआ है। तीसरा मुद्दा यह है कि आज कॉलेज के अंदर में बच्चों को पढ़ने के लिए बेंच और डेस्क का बहुत बड़ा शॉर्टेज है। और चौथा इशू यह है कि जो कॉलेज का टॉयलेट है वो इतना बुरा हाल में है, इतना वर्स्ट कंडीशन है कि कोई भी बच्चे आज टॉयलेट यूज़ करने को जा नहीं सकते, इतना बुरा हाल में कॉलेज टॉयलेट पड़ा है। और पांचवा मुद्दा यह था मेरा, जो गेस्ट फैकल्टी का जो पेमेंट बढ़ाने को था, जो कॉलेज से क्लियरेंस मांगा गया था, उस इशूज़ में मैंने प्रिंसिपल से बात किया। वैसे कई सारे इशूज़ से मैंने बात किया, जैसे फर्स्ट ईयर के जो बच्चों को हॉस्टल नहीं दिया गया गर्ल्स हॉस्टल में, वो सारे इशू में मैंने बात किया। आज प्रिंसिपल साहब का जो कहना था, जो मेरा पहला मुद्दा यह था कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ कॉलेजेस के अंदर में नहीं है, जल्द से जल्द कॉलेज के अंदर में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ का उपलब्ध होना चाहिए। प्रिंसिपल ने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ का जो इशू है वो 2 दिन के अंदर सॉल्व कर देंगे। दूसरा जो इशू कैंटीन का, जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, प्रिंसिपल ने मुझे अश्योर किया कि बहुत ही जल्द एक कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी के बनाने के बाद में टेंडर का कॉल किया जाएगा बहुत ही जल्द। और बेंच और डेस्क का जो इशू है, प्रिंसिपल का कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरा बात चल रहा है और बहुत ही जल्द बेंच और डेस्क कॉलेज में आ जाएगा। मैं आशा यह करता हूँ कि जल्द से जल्द ये सारा चीज़ जो पूरा हो जाए, जो बेंच और डेस्क जो बहुत ही बड़ा इशू है, आज बच्चे को बैठने की जगह नहीं कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने के लिए। कि कई महीनों से प्रिंसिपल मुझे सिर्फ और सिर्फ एश्योर कर रहा था कि हो जाएगा, आज ही मुझे अश्योरेंस ही दिया है कि बहुत जल्दी करवा देंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि कब तक ये काम प्रिंसिपल ने करवाएंगे। और जब मैंने प्रिंसिपल से बात किया कि कॉलेज के अंदर में जो टॉयलेट्स के हाल बहुत ही बुरा हाल है, तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा है कि मैन पावर की कमी है, जल्द से जल्द उसे पूरा कर देगा। तो ओवरऑल जितने मुद्दे मैंने बात किया कि सब में तो आश्वासन ही दिया है। अब मैं भी देख रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब कब तक आश्वासन देंगे। अगर मैं आज कॉलेज मैनेजमेंट को आज 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर 10 दिन के भीतर ये मोटा मोटा जो काम है, जो जेन्युइन इश्यूज है, जो जेन्युइन काम है, अगर 10 दिन के भीतर कॉलेज मैनेजमेंट अगर बच्चों के काम को नहीं करवाएगा, तो मैं हम डेफिनेटली कॉलेज के बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट में जाएंगे। क्योंकि आज प्रोटेस्ट ही आखिरी वो सहारा है जिससे कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के कान में आवाज़ जाएगा, कॉलेज मैनेजमेंट के कान में आवाज़ जाएगा। क्योंकि पिछले कई महीनों से मैं प्रिंसिपल के कान में बात पहुंचा रहा हूं कि ये इशू है। बस प्रिंसिपल साहब मुझे एश्योरेंस के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन अब तक NSUI की तरफ से जो मांग रखा गया है, किसी मांग को हमारे रिक्वेस्ट में प्रिंसिपल ने पूरा नहीं किया है। जब तक कांग्रेस पार्टी सड़क में नहीं आए बच्चों को लेकर, तब तक हमारा कोई बात को माना नहीं गया है। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल हमारे बात को मानता है या नहीं मानता है। अगर हमारे बात को नहीं माना जाएगा तो बहुत जल्द हम एक चीज़ प्रोटेस्ट में जाएंगे। और सेकेंड जो इसमें मैंने प्रिंसिपल से बात किया है, मैंने अप्रिशिएट भी किया प्रिंसिपल को, जो इतना बुरा हाल में जो जेरानम बॉयज हॉस्टल था, जो
लावारिस पड़ा हुआ था कि इसको किसी को माई बाप नहीं था, कोई नहीं था, कोई आउटसाइड अंदर जाता था, ड्रग्स पी लेता था, ड्रग्स सप्लाई होता था। इस सारे चीज़ के ऊपर में जब हम लोगों ने बात को पब्लिक में लेके आया, मीडिया में लेके आया, अंडर माई एडमिनिस्ट्रेशन तक जब हाई लेवल था इश्यूज़ को गया, जब प्रिंट मीडिया में आया, डिजिटल मीडिया में आया, उसके बाद से कॉलेज मैनेजमेंट थोड़ा वाकई में सीरियस हुआ है इश्यूज़ को लेकर, हॉस्टल में आउटसाइड जाना बंद कर दिया गया। मुश्किल अप्रिशिएट प्रिंसिपल को करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने प्रिंसिपल से और एक रिक्वेस्ट यह किया है कि जितने भी हॉस्टल से बच्चे हैं उन सभी को जल्द से जल्द आईडी कार्ड इशू करवाए, जिससे कि बच्चे आइडेंटिफाई कर सके कि कौन हॉस्टलर्स है कौन हॉस्टलर्स नहीं है। जो भी हॉस्टलर्स नहीं है, जिसका भाई आईडी कार्ड हाथ में नहीं है, उसको अंदर ना छोड़े। तो ये सारा बात आज प्रिंसिपल से मेरा हुआ है, और जो बात आज प्रिंसिपल से मेरा हुआ है वो मैं अंडमान निकोबार के स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो जैसा हम आपको बता दें, काफ़ी सारे इश्यूज़ लेकर, और ये इश्यूज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी था। तो NSUI के जो अध्यक्ष है साजिद जी ने आज यहाँ के प्रिंसिपल HK शर्मा सर से बात की, और सर ने भी ये उन्हें एश्योरेंस किया, ये कहा कि जल्द से जल्द जितने भी मुद्दे हैं उनको टाइमिंग दिया गया है, वो जल्द से जल्द इसे सुलझाएंगे। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।